महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलने के बाद से ही मेजर ध्यानचंद का नाम इस सर्वोच्च सम्मान के लिए उछलना शुरू हो गया था। उनके पुत्र और पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार ने भी अपने पिता को भारत रत्न अभी तक न मिलने पर काफी विरोध जताया था और अब उनके बाद मिल्खा सिंह ने भी एक बार फिर ये मांग उठाई है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मिल्खा सिंह ने कहा कि उन्होंने देश को अपना योगदान तो दिया ही है, साथ साथ भारत को गौरवान्वित भी किया है। उन्होंने कहा कि देश में खेल जगत और खिलाड़ियों को नई पहचान देने के लिए हमें खिलाड़ियों को सम्मानित करने की जरूरत है, जिससे अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले और भी बेहतर प्रदर्शन करें। जानकारी के लिए बता दें कि लगातार 3 ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले ध्यानचंद ने सन 1948 में खेल से संन्यास लिया था। कुछ साल बाद इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। देश में मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट एन न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट।